हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड के साथ टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी। तो फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में पानी लिया है, ये ब्रेड को मैं डिप कर दूँगी इस तरह से और ऐसे पूरा स्ट्रेन कर लूँगी। इसी तरह से मैं और भी ब्रेड को स्ट्रेन कर लूँगी। ये मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। अब मैं इसमें बॉइल्ड आलू डाल दूँगी। अब मैं इसमें आधा कप ग्रेट किया हुआ पनीर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे डालें। आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें एक छोटा कप कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन डाल सकते हैं, आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, एक चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे एक शेप दूंगी, ये मैंने पहले से हाथों में तेल लगा लिया है। इस तरह से मोटा सा टिक्की का शेप दे रही हूं मैं, आप जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स रखे हैं, मैं इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दूंगी। ब्रेड क्रम्स से क्या है, हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब देख सकते हैं ये कितना अच्छा कोटिंग हो गया है। मैंने इसी तरह से सारे कटलेट्स बना लिए हैं, टिक्की बना ली है। अब मैंने फ्राई करती हूँ। मैंने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं हमारी टिक्की को फ्राई करूँगी। मीडियम टू हाई मैंने फ्लेम रखा है गैस का। ये एक तरफ से सिक गए हैं, मैंने पलट देती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्की है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब देखिए कितने अच्छे से सिकी है ये, इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्की है वो बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए ये कितनी यमी और टेस्टी दिख रही हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।